हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? हम लोगों ने और में से अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी उस मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब वो मेटल अभी प्योर फॉर्म में नहीं है। तो काफ़ी सारी मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से प्योर किया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, हम लोग जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाते हैं। एनोड मतलब हमने उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। जिस मेटल को आप प्योर करना चाहते हो, लेट मी से कॉपर, तो उसकी एक प्योर स्ट्रिप आप लोग ले लोगे और उसे आप बनाएंगे कैथोड। इसका मतलब क्या है, हम लोग एनोड बनाएंगे इम्प्योर मेटल को और कैथोड पे हम लोग उसी मेटल की एक प्योर स्ट्रिप यूज करेंगे, प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप यूज करेंगे। इसके अलावा करंट पास करना है तो आइंस अवेलेबल होने चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे। जिस मेटल को आप प्योर करना चाहते हो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग कॉपर को प्योर करना चाहते हैं, तो हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट। एनोड इम्प्योर है और प्योर पर प्योर कैथोड की एक स्ट्रिप लगाई है। अब इसमें होगा क्या ये देखते हैं। जब हमारे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो एनोड से जो प्योर मेटल है यानी कॉपर के आयंस, वो इस एनोड से अलग होने शुरू हो जाएंगे और वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर चले जाएंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से उतना ही अमाउंट का कॉपर आयन किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, पहले एनोड से डिसॉल्व होता है कॉपर सल्फेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, और फिर वहाँ से उतने ही अमाउंट का कॉपर आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो वी कैन से कि कैथोड का जो मास है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा और एनोड का जो मास है वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा। जो एनोड में इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी, जो इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व नहीं होंगी यानी कि वो एज इट इज़ रहती हैं, वो एनोड की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी और उन्हें हम लोग एनोड मड के नाम से जानते हैं। एनोड मड उसको अपन कहते हैं। इस तरीके से जितना भी कॉपर इसमें प्रेजेंट है वो सारे का सारा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉपर हम लोग क्या कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। कॉपर हो या कोई भी और मेटल हो, जैसे हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बुक में कौन कौन सी एग्जांपल दी हुई है, कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो यानी कि जो मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं या मॉडरेटली रिएक्टिव हैं वो इससे हम लोग प्योर कर सकते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि मेटल्स को प्योर करने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। थैंक यू।